आयोजक हैं। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। पीएम मोदी ने मोरबी पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की, हवाई निरीक्षण कर हादसे वाली जगह का भी जायजा लिया। पीएम मोदी मिशन गुजरात पर जामुघोड़ा में जनसभा को संबोधित किया, विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मोरबी हादसे पर अरविंद केजरीवाल ने लगाया बड़ा आरोप, ये बड़े भ्रष्टाचार का नतीजा, लोगों की मौत दुखद, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल का ठेका दे दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की आठवीं लिस्ट, लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नाम। पुष्कर मेले का आज से आगाज, 1.25 लाख दीपों से सजाया गया घाट, पशु मेला नहीं लगने से पशुपालकों में उदासी। गृह मंत्री अमित शाह मिशन हिमाचल पर जनसभा को संबोधित किया, कहा एक बार बीजेपी बार बार बीजेपी। केरल से लंदन तक बर्ड फ्लू का बढ़ रहा खतरा, बर्ड फ्लू की वजह से केरल में 15,000 पक्षियों को मारा गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वेमुला की मां से मुलाकात की, वेमुला ने कथित उत्पीड़न के बाद 2016 में सुसाइड की थी। मौसम के बदलाव के साथ ही प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला जारी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचे। 8 नवंबर को होगा चंद्र ग्रहण, खाटू श्याम जी और सालासर मंदिर के पट रहेंगे बंद। अजमेर के ब्यावर में पेट्रोल पंप पर बाइक से चोरी हुए 4 लाख रुपए, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जैसलमेर में निजी बस संचालकों की मनमानी, बसों में क्षमता से ज्यादा सवारियां, जोधपुर जैसलमेर बस में घुटन से महिला यात्री बेहोश। चित्तौड़गढ़ में पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार, पुलिस ने अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। नवलगढ़ विधायक और सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का लोकार्पण किया। अजमेर के तिजारती गौशाला में मनाया गया गोपाष्टमी पर्व, पर्व के मौके पर उपखंड अधिकारी और गौशाला समिति के सदस्य मौजूद रहे। श्री गंगानगर के श्री करणपुर में विद्यालय की छत भरभराकर गिर गई, स्कूल का समय 10 बजे होने के कारण बड़ा हादसा टल। कोटा में टीचर स्टाफ मोबाइल देखते हुए व्यस्त, स्कूल गेट से निकली 6 साल की बच्ची, राहगीरों ने बच्ची को पहुंचाया घर। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया, बीते 1 साल से फरार चल रही थी। प्रतापगढ़ में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, बीते 5 सालों से फरार चल रहा था। समीरपुर नेशनल हाईवे पर ट्रक चालक के साथ हुई मारपीट, ट्रक ड्राइवर ने झाड़ियों में कूदकर बचाई अपनी जान। माकपा ने सीकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया, बाजरे को समर्थन मूल्य पर खरीदने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मंदिरपुर बालाजी मंदिर के सामने सड़क पर महिला ने दिया बच्ची को जन्म, यूपी के कासगंज से सास ससुर के साथ रोशनी आई थी बालाजी दर्शन करने के। जैसलमेर से खबर, सरहद पर सी तनोट मंदिर रहेगा बंद, सप्ताह में हर मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है, माउंट आबू में गुलाबी ठंडक का एहसास शुरू हो गया। दिल्ली में घुटने लगा दम, नरेला में AQI पहुंचा 571, अभी और बढ़ेगा प्रदूषण। प्रदेश में 5 नवंबर के बाद बढ़ेगी सर्दी, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सर्दी पकड़ेगी जोर। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें पुलिसकर्मी मेट्रो स्टेशन पर तार में उलझे एक कबूतर को बचाने की कोशिश कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप में कल भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत, दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। सलमान को मिली X+ से बढ़ाकर Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी, गैंगस्टर की धमकी के बाद लिया गया फैसला। पंजाबी सिंगर AP ढिल्लन अस्पताल में भर्ती, इंटरनेशनल टूर के दौरान आई गंभीर चोट। आयोजक है देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।